धर्मशाला के उपचुनावों में भाजपा के प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने 5,526 मतों से जीत हासिल कर ली है और इस वक्त हम स्ट्रॉन्ग रूम के पास ही खड़े हैं। यहां से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सुधीर शर्मा के समर्थक हैं, वो इस वक्त नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में फूल लिए हैं और स्वागत की पूरी पूरी तैयारी है। कुछ ही देर में सुधीर शर्मा यहां पहुंचेंगे और उनका स्वागत होगा। और ये देखिए, ये महिला शक्ति किस तरह से जो है वो यहां पर स्वागत के लिए पहुंची हुई है। युवाओं में अच्छा खासा जोश है और ये तस्वीरें आप इस वक्त स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर यानी कि जो डिग्री कॉलेज है उसके गेट, मेन गेट से देख रहे हैं। लोगों ने हाथों में फूल लिए हैं और अपने नेता का स्वागत करने के लिए यहां पर खड़े हैं। पूरा दिन इसी तरह, जब से पता चला था कि सुधीर शर्मा जीत रहे हैं उसी वक्त भाजपा के ये तमाम लोग ये यहां पर खिलखिलाती धूप में, तपती हुई गर्मी में यहां पहुंचे क्योंकि अपने नेता का स्वागत करना है। ऐसे में पूरा चौक जो है वो इन लोगों से ही भरा हुआ है और काफी देर से जो है यहाँ पर अपने प्रिय नेता के नारे लग रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष जो सरकार है, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। लोगों से ही जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, क्या नाम आपका? शरवण कुमार। किस लिए खड़े हैं यहाँ? हम भारतीय जनता पार्टी, सुधीर शर्मा जीत गए उनके लिए खड़े। सुधीर धर्मशाला में कांग्रेस का उम्मीदवार भी हारा और पूरी सरकार हारी है, सुधीर जी की विजय हुई है। क्या नाम है? शारदा शर्मा। क्यों खड़े हैं यहाँ? सुधीर जी का स्वागत करने के लिए। धर्मशाला में सुखू सरकार की बड़ी बुरी तरह से हार हुई है। पूरा जोर लगा दिया था हराने के लिए, पूरी सरकार बैठ गई थी, लेकिन धर्मशाला ने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी और सुधीर जी को विजय बनाया। पूरी धर्मशाला सुधीर जी के साथ खड़ी है। तो आप देख सकते हैं लोगों में जो उत्साह है, लोगों का भी यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में ना तो केवल सुधीर शर्मा की जीत हुई है बल्कि कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे यहां पर सुक्खू सरकार की हार हुई है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने यहां पर जब रैली की थी उसमें कहा था कि आप मुझे वोट दीजिए, तो आपने ये लोगों का प्यार भी देख लिया और अब सुधीर शर्मा की जो जीत हुई है वो कहीं ना कहीं इन लोगों का प्यार सुधीर शर्मा को मिला और दोबारा सुधीर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़े और आज विजयी होकर अपने घर जा रहे हैं। धर्मशाला से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक। धर्मशाला